अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज हमें हो चुका है बड़पुरा में दूसरा दिन। और माशाल्लाह कल का दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरा और आज देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पे प्लान बन चुका है, कहाँ पे जा रहे हैं हम? चंबल जा रहे हैं, चंबल जाने के लिए प्लान बनना है, चंबल चलो घूमने के लिए। और सब जा रहे हैं इकट्ठे होके और वहाँ पे मगरमच्छ है, मगरमच्छ की वीडियो जरूर बनाना। चम्बल में बहुत सारे मगरमच्छ हैं और ये बोलेंगे मगरमच्छ की वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे बहुत इन्जॉय करेंगे। तो अभी हम चलते हैं और हम बोले कि ना थोड़ा अच्छे से हो जाना, थोड़े से चलेंगे तो कल और भी मेहमान आए हैं, मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। तो वहाँ पर खाना बनना है। भाभी क्या कर रही हो? और पकौड़ी बना रही है। और अच्छा, और खा लो जल्दी जल्दी। जो कह रहे हैं वहाँ पे चले चंबल पे, चंबल पे मत जाना, मगर रहे वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे तो रुक है और कोरोना चल रहा है, कुछ हो जाएगा। वो मान नहीं रही है, सब जने कह रहे हैं चलो चलो। और कौन आया कल? और हमारे चाचा जी आए हैं और आए। जी भोपाल से आएंगे हैं? ये भोपाल से आए और पुणे से आए। पुणे से और ग्वालियर से कौन आया है? ग्वालियर से हमारी बहन भी आई है, वो खड़ी हुई है। अच्छा, वो बहन खड़ी है, वो ग्वालियर से आई है। अच्छा, और कौन कौन आने वाला है, किन किन का बेटे? अभी आने वाले हमारे अब्बू और बहन भाई और वो आने वाले हैं पुणे से। हाँ जी। अच्छा, भाई आने वाला है मेरा। तो देखते हैं, अभी तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं और आप सभी से मैं सबको मिलवाने वाली हूँ इंशाल्लाह। आप सभी को सबसे मिलकर अच्छा लगेगा। अभी लोग चंबल जा रहे हैं घूमने के लिए, इसलिए मैं अपना जो हेयर स्टाइल कर रही हूँ। बाजी को पट्टी कलर वो बता रहे जी। आलो भाजी फोटो अच्छे तो यहाँ आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम तैयार हैं जाने के लिए और हम रेडी हैं। और मैंने ये वाला कुर्ता पहना है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। और हमारी रौनक बाजी को देखो, हमारी रौनक बाजी कितनी क्यूट लग रही हैं माशाल्लाह। तो अभी हम चल रहे हैं और जाने से पहले हम यहाँ पे, यहाँ ये चीज़ की दुकान है परचूनी की, यहाँ से हम कुछ खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं। तो सभी बच्चे दुकानों पे खड़े हो चुके हैं और जो जिसको जो जो अपने पसंद का लेना है वो सभी ले रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या क्या लिया है, इन्होंने क्रैक्स ली है। तो यहाँ पे मैं दुकान से सामान ले रही हूँ और आरनक्सरा को जो भी पसंद है वो आरनक्सरा ले रहे हैं। तो यहाँ हमने जो भी हमें खाना पीने का था वो हमने यहाँ से ले लिया है। तो देखिए हमने बहुत सारा खाने पीने का सामान ले लिया है और वहाँ पे हम करेंगे पिकनिक। पिकनिक भी आ रहे हैं चंबल पे, ये चंबल के डाकू आ रहे हैं सबके पीछे। फ्रेंड्स तो देखिए बस अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, जैसा हमने आप सभी को बताया था मॉर्निंग में चंबल।
और नाश्ता वगैरह हो चुका है, पोहा और चाय। और सब जने आ रहे हैं, सब बच्चे वगैरह सब, हमारे पापा बहुत चल रहे हैं साथ ही में। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देखिए, यहाँ के कच्चे घर, यहाँ की ऊंची नीची सड़कें, तो आप सभी ने यहाँ की देखी हैं पहले। और आज मैं आप सभी को यहाँ के जो प्यारा सा व्यू है जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और हम सभी बच्चे जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, और आप सभी देखेंगे इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आएगा। और आप सभी ने क्या ऐसे घर देखे हैं कभी? अगर नहीं देखे हैं तो मुझे ज़रूर बताना। पापा और अंकल भी आ रहे हैं हमारे साथ में, और पापा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बताओ। पहले साल पहले गए थे मछली लेने। अच्छा हैं, और अब कितने टाइम बजे? बहुत टाइम बजा रहे हैं, बहुत टाइम। ये कुआं बनाए कितना छोटा सा, बहुत बड़ा होगा ये, 60 या है। हैं ऐसे कुआं बनाए और लंबा, उसकी वो नहीं ज़्यादा चौड़ाई, बस इतनी 15-20 साल पहले गए होंगे। तो मतलब मगरमच्छ थे वहाँ पे? मगरमच्छ मगरमच्छ थे नहीं भाई, कुत्ता है बहुत ज़्यादा। नदी जा रही थी चौमासे में बरसात में। अच्छा। चली थी। तो कितनी मछली पकड़ी तुमने? मछलियाँ है 4-5 4-5 बड़ी थोड़ी थोड़ी। अच्छा रात के बनाई खाई बढ़िया। क्या पापा मछली बनना कितने फूफा ने? पापा ने मछली कितनी पकड़ी? पापा ने, हमने दोनों ने। अच्छा दोनों ने मिलके 5। और काई से पकड़ी, कैसा था वो? कांटे से दूर से दूर कांटा, वो लकड़ी का बनाया होगा यार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चंबल पर, धूप के मारे मैंने ऐसे दुपट्टा ओढ़ लिया है और यहाँ पे कोई नहीं था इसलिए मैंने मास्क हटा दिया है। तो देखिए यहाँ पे पीछे सब लोग आ गए हैं और आ भी रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं, वो पीछे कुत्ते भी आ रहे हैं। चलो तो देखिए सब जने आगे पहुंच चुके हैं और बस अभी हम भी चल रहे हैं और आप सभी को दिखाते हैं। आज पापा आए गए हैं काफी टाइम बाद। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ चुके हैं और सब लोग उधर पहुँच चुके हैं, आधे लोग और आधे हम यहाँ पर हैं। पापा बोल रहे हैं यहाँ पे सही रहता है, मगर वो लोग हाँ उस साइड जा रहे हैं इतना दूर। तो अच्छा प्रवीण बैठ, बाकी सब आगे निकल गए थे क्योंकि मैंने कहा बोला आगे निकल गए, मैंने कहा पहले थोड़ा यहाँ पे बैठ लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पापा के पैरों में दर्द है ना इस वजह से, और मैं यहाँ पे ले आई हूँ उनको। मैंने कहा तुम गए नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग जा रहे हैं तो संग में चलो अच्छा भी लगेगा, तो इसलिए हम आ गए हैं। और अब हम उधर की साइड जा रहे हैं, सब लोग आगे पहुँच गए, आराम कर लिए थोड़ा वहाँ बैठ के, पापा को भी आराम मिल गया, अभी चलते हैं। देखो देखो वहाँ पे कुछ है मछली, ऐसे 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 करके जंप मार रही है पानी में।
देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर आज देखने के लिए मिला है ऊँट, और ऊँट पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ लदी हैं। तो एक अंकल उस ऊँट के ऊपर काफ़ी सारी लकड़ियाँ लाद कर ले जा रहे हैं, और अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं ऊँची नीची ढलानों पर और आगे जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये बंधा हुआ है, तो बस अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें जाना है चंबल के किनारे पर, और क्योंकि काफ़ी दूर है और बहुत थकावट हो जाती है और काफ़ी गर्मी भी है, तो बस हम आप सभी को क्या बताएं कि बस हमारा क्या हाल हुआ है यहाँ तक पहुँचने में, और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। चंबल के किनारे इस घाटी पर ये तरबूज और कलिंदे और खरबूजा और कद्दू जो की बेलें लगी हुई थी उसमें उब रहे थे, और पापा थक गए थे तो हम पापा को वहीं पर छाए में बिठा कर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ सब कितनी मस्ती कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं सब लोग। और मैं कोई गए नाले में, मेरा तो नहीं मन कर रहा नहाने का। और देखिए ये भी नहा रही हैं पानी में, और अभी नहा भी नहा रही हैं, सब नहा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पानी के बीच में खड़े हो गए हैं, ये भी नहीं नहा रही हैं और मेरा मन नहीं कर रहा है नहाने का। और ये रवि नवाजी तो खूब इन्जॉय कर रही हैं पानी, बहुत ज़्यादा मस्त। तो यहाँ सब पानी में खूब इन्जॉय कर रहे हैं, सब बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ठंड लग रहा है। गर्मी में आने के बाद यहाँ पानी में आने की गर्मी अब कभी तो बहुत चढ़ रहे हैं, तो चलो हम भी नहा लेते हैं थोड़ा सा पानी में। नहा लो ना, जाए काहे के लिए इतनी दूर से, इतनी दूर से घूमने के लिए, इसी के लिए आए हैं। पर रख यार मोबाइल पहन के। बहुत सभी के कहने के बाद मैं बहुत मुश्किल से मैं पानी में आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था पहले तो, और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था क्योंकि मैं पहले कभी इस तरह से नहीं नहाई हूँ इतने खुले में, और इतने जो मुझे जो पानी से इतने ज़्यादा पानी देखने में खूबसूरत लगता है, बट उसमें नहाने में सोचती हूँ कुछ अजीब अजीब से बात ख्यालात आते हैं मन में, तो इस वजह से मुझको डर भी लगता है। तो बस सबके कहने इतने, और रवीना बाजी ने और भाभी ने इतना फोर्स किया कि आ जाओ पानी में नहाओ, फिर उसके बाद बताना, बहुत इन्जॉय करोगी तुम। तो फिर हमने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की, खूब मज़ा आया पानी में। और उसके बाद अभी हम आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए ये ऊँट यहाँ पर हमें बंधा हुआ खड़ा मिला है। तो देखिए और बताइए, हाँ अपने ऊँट देखे हैं कि नहीं देखे? हमने तो देखिए इतने करीब से ऊँट फर्स्ट टाइम देखा है। पानी से बाहर निकलने का मन नहीं करता, ये भी नहीं थी। देखो ये बैठे हैं अपने पापा जी, नहीं थे। कैसा लगा पानी में? अच्छा। अच्छा लगा? मन करा आने का कि नहीं कर रहा था? नहीं, नहीं? एक घंटा लगता है पैदल जाने में। आपको कैसा लगा था पानी में नहाने में? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। सच्ची है? आप तो खूब नहाई मम्मा के साथ। हाँ। आज तो हमारे पापा भी पानी में नहाए, पहले तो नहा ही नहीं रहे थे, हम बहुत देर से नहा रहे थे, मगर पापा आज नहा के कैसा लगा चंबल में? हाँ। सही लग रहा है। कितने टाइम बाद नहाए? कम से कम 15-20 साल बाद। खूब तेर तेर के नहाए थे पापा? मैं भाई शादी वही नहीं है थी। अच्छा, वहाँ पे नहाए ये कहाँ से? रेलवे के पुल के नीचे। अच्छा। मैं तो स्विमिंग पूल में नहाया हूं कभी। देख लो शादी से पहले नहाए थे, अब शादी के बाद अब नहाए। चलो यहां सारी तो है, वो भी पानी की शादी में नहा दिए। हां, रवीना आज का तो बिल्कुल अभी मन ही नहीं कर रहा था निकलने का, आ ही नहीं रही थी। तो पापा बोल रहे थे चलो बाहर आ जाओ, नहीं थोड़ा और नहा लूं, थोड़ा और नहा लूं, बार बार उसमें पहुंच जाते थे। है? क्यों मन क्यों नहीं कर रहा था? अरे यार बार बार नहा रहे हो, मजा आता है जब बारिश में हवा जाए तो ऐसे पानी हो जाते हैं। गर्मी लग रही थी ज्यादा। हाँ, गर्मी का मौसम है, गर्मी तो है, और फिर अपन सफर करके इतने दूर गए, एक घंटा लगता है पहुंचने में। इतनी दूर से आओ फिर हाल निकल जाए तो कितना बुरा लगता है। ये तो मैं तो वैसे बहुत इंजॉय किया, बहुत बहुत ज्यादा इंजॉय किया, बहुत मजे आए।
पहले मैं तो ना ही नहीं रही थी, मैंने कि मैं वीडियो शूट करूँगी आप सबका, तुम ना इंजॉय करो, मैं बाहर से ही देख रही थी। और फिर रवि नवाजी ने, अभी ने, दोनों ने हमको खींच लिया पानी में, बहुत इंजॉय किए, बहुत मजे आए। और अब बस जैसे जैसे घर पे पहुँच जाएँ, फिर घर पे जाकर नहा कर खाना खाएंगे, फिर आप सभी से मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह, और आप सभी के साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यू शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ज़रूर लाइक करें, बेल का शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बोलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।